तो है एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं शरण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब मंच पे स्वागत करता हूँ। मेरे फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को बताएं कि RECET 22 मई 2022 को मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसी कड़ी में जो है चैप्टर वाइज MCQ मैंने कम्प्लीट करवा दिए थे आप सभी के, और आज जो आप सभी के लिए लेके आया हूँ वो है आपकी लाइव क्लासेज हैं। मेरे फ्रेंड, जुड़ जाइएगा इस सेशन के साथ में, क्योंकि पुराने पेपर का विश्लेषण आपके सामने करने वाला हूँ। आप खुद बोलोगे कि सारे के सारे क्वेश्चन सर आपके द्वारा पढ़े हुए ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, यानी कि एक पेपर नहीं, आपके सामने दो पेपर के उदाहरण लेके आया हूँ, ताकि मेरे फ्रेंड्स आप तो सभी लोग हैं जो समझ सके कि पेपर कहाँ से बनता है, यानी कि उधर इधर उधर भटकने की कई जरूरत नहीं है। अगर आपको भी करना है RECET एग्जाम में 90 से पार, तो बस एकमात्र विकल्प है के सामने संध्या कंप्यूटर क्लासेस। तो जुड़ जाइएगा इस सेशन के साथ में। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। तो मेरे फ्रेंड, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें कि आखिरकार क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तब तक मैं जो है बाकी का ऑप्शन आपको बताता हूं कि जो आपकी स्पीड है, शुद्धता है और एक्यूरेसी, स्पीड है, एक्यूरेसी है और आपकी इंटेलिजेंस यानी शुद्धता, सॉरी परिश्रमशीलता, ये तीनों के तीनों तो आपकी क्या है, विशेषता होती हैं। जबकि जो आपको दिख रहा है क्या, बुद्धि का अभाव, अगर इसकी जगह आपको देता सोचने की क्षमता, सोचने की क्षमता, और इसके अलावा अगर आपको देता IQ लेवल 0, बुद्धि का अभाव तो दे दिया, यूज़र के बिना काम नहीं करता, तो ये सारी की सारी फिर क्या होती है, हो जाती है, सीमा हो जाती है। तो मैंने बोला था कि एकाध क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि कौन सी सीमा है, कौन सी नहीं है, कौन सी लिमिटेशन है, कौन सी नहीं है, तो एग्जामिनर का ये एक पसंदीदा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आप सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बताना है कि आपके ये कागज़ हैं। अब यहाँ पर अगर मैं पेंसिल के द्वारा अगर कोई मार्क वगैरह अगर बनाता हूँ, तो उसको पढ़ने का काम जो है या स्कैन करने का काम है, इनमें से कौन से डिवाइस के द्वारा किया जाएगा, तो जल्दी से आप कमेंट करें। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि OMR का पूरा नाम आपका क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका पूरा नाम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाता है, मेरे फ्रेंड्स OMR हो जाता है। कभी कभार आपसे क्या करेगा कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, OMR ही होगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पे, जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं, आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार। आप बेहतरीन ट्रैक के साथ में, यानी कि आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आपको 90% बनाने से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। अगर आपने 16 चैप्टर आराम से कम्प्लीट किए हैं, और आने वाली जितने भी क्लासेज हैं, मैराथन क्लास वगैरह, अगर उन सभी को आपने अच्छे से देखा है, तो बहुत ही अच्छी आपकी इस बार तैयारी हो जाएगी। मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। बार बार बताया है ये क्वेश्चन आप सभी को कि जो है आपको कभी कभार तो एग्जामिनर क्या करेगा, सीधा आपसे पूछेगा कि, तब तक आप लोग कमेंट करना इसकी, कभी कभार तो सीधा पूछेगा कि GUI का पूरा नाम क्या होता है। तो पूरा नाम क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मेरे फ्रेंड्स पूरा नाम होता है। ये क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके आइकन बेस्ड होता है। तो विंडोज़ 8.1 में आपको आइकन दिखते हैं, मैक OS में भी दिखते हैं, और आपका लिनक्स में भी आपको ग्राफिक्स दिखते हैं। जबकि जो आपके यूनिक्स हैं और MS-DOS, कौन कौन से यूनिक्स और MS-DOS, दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो आपके CLI या फिर CUI यानी कमांड लाइन इंटरफेस के एग्जांपल होते हैं। मेरे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, आप सभी को दिख रहा है, हाँ आप सभी को दिख रहा है कि विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, एप्लीकेशन को लॉन्च करना क्या इसका उद्देश्य है, काम है, डिवाइस की सेटिंग करना है, सिस्टम को बंद करना क्या है, तो उपरोक्त सभी विकल्प जो आपको यहाँ से दिख रहा है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। लगभग सभी विद्यार्थी करेक्ट ऑप्शन मुझे दे रहे हैं। देखिएगा, ये जो है आपकी स्लाइड है कंप्यूटर की, अब डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के जो नीचे वाली ये बार हैं, ये आपकी टास्क बार कहलाती हैं, और यहाँ पे जो है
आपका स्टार्ट बटन मौजूद होता है। तो इतनी सी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, तब तक आप कमेंट करें। मल्टीटास्किंग क्या होता है कि एक समय में एक से अधिक काम करना आपकी क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग कहलाता है। अब जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू कौन कौन सा नहीं करता है, तो मेरे विद्यार्थी जो आपको दिख रहा है एमएस डॉस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो केवल सिंगल टास्किंग को ही लागू करता है, यानी मल्टीटास्किंग को ये लागू नहीं करता। बाकी जो है विंडोज़ 98, विंडोज़ एनटी, विंडोज़ एक्सपी तीनों के तीनों करते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक समय में एक से अधिक कार्य करना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है। आप जल्दी से कमेंट करें, आप सभी की कमेंट का मुझे इंतज़ार है। आप सभी विद्यार्थी जो हैं जल्दी से कमेंट करें। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि मॉडेम का जो काम होगा वो क्या होगा। तो ये क्या करेंगे, एनालॉग सिग्नल को किसमें, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करते हैं। एनालॉग सिग्नल को किस में बदलेंगे मेरे फ्रेंड, डिजिटल सिग्नल के अंदर बदलने का कार्य करते हैं। अब इसका जो पूरा नाम है वो क्या होता है, मॉड्यूलेटर टू डी मॉड्यूलेटर होता है। ये एक इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि WWW का पूर्ण रूप क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, अगर इन प्रश्नों से अगर 70 क्वेश्चन है और इनमें से अगर आपके 50 क्वेश्चन भी बैठ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक में हैं, काफ़ी शानदार आपकी तैयारी है। अभी तो देखो, अभी तो मैं आपके सामने बहुत सारी क्लास भी लूँगा और मैराथन क्लास भी आपके सामने आएगी। तो अगर इसमें से आपके इतने बन जाते हैं तो बिल्कुल कतई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि इस बार आप बेहतरीन करने वाले हैं। WWW का पूरा नाम क्या हो जाता है, हमका वर्ल्ड वाइड वेब, जो आपको ऑप्शन बी दिख रहा है, यहाँ से करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि UPI यानी कि पोस्ट टेक्नोलॉजी, UPI मीन्स आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पोस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स पोस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आप जल्दी से कमेंट करें। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि UPI का एक तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि UPI का पूरा नाम क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो NPCI, कौन सी, NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसका जो उपयोग होता है वो पैसों को भेजने के लिए होता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, केवल एक सही होगा, कौन सा, केवल ये जो आपको दिख रहा है ये आपका यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, है ना, यानी कि जिस विद्यार्थी ने सी ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। तो मेरे विद्यार्थियों अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि इनमें से जो है क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है, तो आप जल्दी से कमेंट करें। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है ये क्या करते हैं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं इनको डिजिटली रूप से क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। अब देखा, गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है, यानी उपरोक्त सभी आपका करेक्ट विकल्प है। अगर कभी आपसे पूछे कि राजस्थान सरकार का क्लाउड स्टोरेज कौन सा है, तो मेरे विद्यार्थियों आपका कौन सा है, राज ई वॉल्ट है, कौन सा है, राज ई वॉल्ट होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें, आप सभी की कमेंट का मुझे इंतज़ार है कि आप मुझे करेक्ट ऑप्शन चूज करके देंगे। और देखिएगा, जो माइक्रो ब्लॉगिंग आपका होता है ये मेरे फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए कि माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब एक ऐसा ब्लॉग जिसमें आप क्या करते हैं, छोटे छोटे ब्लॉग से लिख सकते हैं, यानी कि 140 कैरेक्टर ही आप लिख सकते हैं। ये वैसे मैंने आपको बताया, जल्दी से कमेंट करें। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार, आप जुड़े हैं RECET के सबसे बेहतरीन और नंबर वन चैनल के साथ में, जो इस बार आपको RECET एग्जाम में 90% बनाने की पूर्णतया गारंटी देता है। मेरे फ्रेंड जो विद्यार्थी सेशन को ईमानदारी से अटेम्प्ट करेगा उसको आप यहाँ से एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मुझे जैसा आप सभी लोग दिखा रहे हैं ट्विटर, यहाँ से आपका करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मॉक का पूरा नाम क्या है, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसका पूरा नाम है ना। अब आपसे पूछा है कि MOOC का पूरा नाम क्या है, जल्दी से आप कमेंट करें सभी विद्यार्थी। देखिएगा, क्या मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स होता है, ये मैंने आपको बार बार बताया है। अब देखो, इससे जुड़ी हुई संस्था हो सकता है इस बार आपसे पूछे, तो EDX है,
कोर्सेरा है और खान एकेडमी है, खान एकेडमी और आपकी यूडेसिटी होती है। तो ये चारों इसके नाम याद रखने हैं, ये एक ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म होता है, इतनी सी बातें आपको पता रखनी है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों आप खुद बताना कि क्या वही आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं जो आपको संध्या कंप्यूटर करवा रहा है, यानी कि आप एक पेपर को मत देखना, दोनों पेपर को देखना, फिर आप खुद बोलोगे कि सर जो क्वेश्चन आप करवा रहे हो वही एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल आपको कतई चिंता वाली बात नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल सही दिशा में है। अब यहाँ से जितने भी क्लासेस आ रही है उन सभी को आपको देखना है और आप सभी को बेहतरीन परसेंटेज बना के इस बार जाना है, आरईसीईटी एग्जाम को पास करना है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, आपका जो है नागरिक ऑनलाइन माध्यम से कैसे पंजीकरण कर सकता है रोजगार के लिए, तो ई मित्र से भी हो सकता है, रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी। लगभग आप सभी ने क्या दिया है, करेक्ट ऑप्शन मुझे चूज करके दिया है, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष SSO का पूरा नाम पूछा है आप सभी विद्यार्थियों से, जल्दी से कमेंट करें, है ना, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि SSO क्या है, एकल लॉगिन इंटरफेस का एक एग्जांपल होता है। अब ये क्या करता है, इसके जो है उद्देश्य क्या है, तो सहायता डेस्क की लागत को कम कर रहा है, सहायता डेस्क की लागत को कम कर रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सहायता डेस्क लागत को कम करता है और ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाता है, और ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाता है और उत्पादकता को बढ़ाने का काम करता है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, जैसा कि आप सभी विद्यार्थी कमेंट दे रहे हैं, सिंगल साइन ऑन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में APIC है ना, EPIC जो आपको दिख रहा है, IC है ना, APIC यानी कि EPIC का मतलब क्या है, तो बार बार बताया ना आपसे, जल्दी से बोलो EPIC क्या होगा। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत आपके 25 जनवरी 2015 को हुई, यानी किस दिवस के अवसर पर हुई, तो आपको बताना राष्ट्रीय मतदाता दिवस, कौन सा दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में ये हुई है। अब देखो इसको जो है बनाने वाली संस्था कौन सी है, तो आपको बताना सर NVSP यानी कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है आपका चुनाव सहित जो फोटो पहचान पत्र, लगभग सभी विद्यार्थी करेक्ट विकल्प मुझे दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन के TDS यानी कि TDS का पूरा नाम ही सिंपल से आपसे पूछा है, तो देखिएगा जो TDS है इसका जो पूरा नाम है, जल्दी से कमेंट करें। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि स्रोत कर पर कटौती है ना, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो आपको दिख रहा है ऑप्शन सी, ये मेरे विद्यार्थियों आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाता है। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। आप जुड़े हैं RECIT के बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में, जो इस बार आपको 90% बनाने की गारंटी देता है। मेरे मित्र हर बार विद्यार्थियों को उम्मीदों पर खरा उतरते हैं और इस बार आपको भी है जो RECIT एग्जाम में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी। तो देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था ना कि किस दिवस के उपलक्ष्य में की गई थी, तो जल्दी से बताए 25 जनवरी को कौन सा दिवस आता है। तो आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आपको इसी दिन दिखता है, यानी 25 जनवरी यहां से आपका करेक्ट विकल्प है। अगला क्वेश्चन कि GPS का पूर्ण रूप क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि या तो GIS आपसे पूछेगा या फिर आपसे पूछेगा GPS, है ना, दोनों में से एक क्वेश्चन आप सभी के समक्ष इस बार बनने वाला है। कौन कौन से आपसे पूछ सकता है, या तो GPS या फिर GIS। तो देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, GPS पूछा है। मैं आपको सबसे पहले GIS बताता हूँ। GIS का मतलब पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, आप सभी को याद रखना है। बाकी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है GPS का जो पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन सी करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो मेरे विद्यार्थियों बिल्कुल करेक्ट जो है,
आप सभी विद्यार्थी ऑप्शन दे मुझे कमेंट बॉक्स में। अब हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो आप बोलेंगे सर इंटरनेट को साझा करने के लिए, यानी इंटरनेट को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अगर भेजना है तो फिर आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हॉटस्पॉट की आवश्यकता पड़ती है। अब जो हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, तो मेरे विद्यार्थियों वाईफाई की आवश्यकता होती है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी, क्या होता है वायरलेस फिडिलिटी, आप सभी को अच्छे से याद रखना है। जो एक्स्ट्रा बातें बोल रहा हूँ उनको भी आपको याद रखना है। वाईफाई किस प्रकार का नेटवर्क है, डब्ल्यू लैन प्रकार का, यानी लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जो ब्लूटूथ है इसका उपयोग फाइलों को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में साझा करने के लिए यानी शेयर करने के लिए किया जाता है। ये पैन प्रकार का नेटवर्क होता है, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मेरे फ्रेंड सेशन को अगर अभी भी शेयर नहीं किया है तो सेशन को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, और अगर आप वीडियो पसंद आए तो अंत में प्यारी से कमेंट जरूर दें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे फ्रेंड्स देखिए ओरिएंटेशन आपके दो तरीके के होते हैं, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि एक तो आपका पोर्ट्रेट होता है और एक आपका लैंडस्केप होता है। ये दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, और ओरिएंटेशन जो है आपको पेज की स्थिति बताने का काम करते हैं, और ये जो विकल्प है आपको कहाँ से मिलता है, पेज लेआउट से मिलता है। तो सभी विद्यार्थी लगभग करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं भाई, आप सभी जो हैं इस बार काफ़ी बेहतरीन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है। मेरे विद्यार्थी देखिएगा, टाइम्स न्यू रोमन एरियल है ना, एरियल सेंचुरी, इसके अलावा कैलिब्री, ये सारे के सारे नाम मैं आपके सामने रोज लाता हूँ ना, आप ईमानदारी से बताना, सारे के सारे नाम आपको मैं रोज बोलता हूँ ना कि ये आपकी क्या होती है, फॉन्ट होती है। जैसा कि आप सभी लोग मुझे कमेंट दे रहे हैं क्या होती है, फॉन्ट होती है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है, तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करे है ना। अब देखो वैसे अगर आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है तो आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना होता है ना। फॉर्मेट पेंटर का जब आप यूज़ करते हैं तो एक जैसी फॉर्मेटिंग आप दूसरी जगह पे भी क्या करवा सकते हैं, अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाना, तो हटाने के लिए मेरे विद्यार्थियों क्या होगा, क्लियर फॉर्मेटिंग होगा, क्या होगा, क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाता है। लगभग सभी जो हैं करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं, तो आप सभी इस बार REC8 एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतरीन करने वाले हैं, क्योंकि आप जुड़े हैं REC8 के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनी होती है, तो मेरे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग है ना, किससे बनी होती हैं, तो आप बोलेंगे सर वर्कशीट और जो चार्ट होते हैं इन्हीं के संयोजन से आपकी क्या बनी होती है, आपकी एक्सेल वर्कबुक बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है कि एक नेम बॉक्स क्या होता है, कितनी बार करवाया ये क्वेश्चन, आप ईमानदारी से बताओ है ना कि एक नेम बॉक्स क्या होता है। तो मेरे फ्रेंड्स जो नेम बॉक्स है ये आपको कहाँ दिखाई देता है, फॉर्मूला बार के बाहरी तरफ दिखाई देता है, जिसको क्या बोलना है आपको, नेम बॉक्स बोलना है। लगभग सभी विद्यार्थी कमेंट दे जल्दी से जल्दी मेरे विद्यार्थियों, क्योंकि आपको अपनी तैयारी आंकने का मौका मिल रहा है कि इस बार आपकी तैयारी कैसी है, इस बार आपका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। अगर अभी भी किसी विद्यार्थी को डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा REC8 एग्ज़ाम के अंदर, तो उन सभी को लेके आइएगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। दावे के साथ बोलता हूँ कि 3 से 4 दिन भी अगर आप क्लास अटेंड करते हो तो 80 से 90% आपके आराम से बन सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों ईमानदारी से सेशन को अटेम्प्ट करें, जहाँ तक बातें बोली जाती हैं उन सभी को अच्छे से याद रखना है। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं होगी जो REC8 जैसे एग्जाम में आपको 90 से क्रॉस करने से रोक पाए। मेरे फ्रेंड साहब से क्वेश्चन पूछा है कि एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी को मैंने बोला था ना कि F5 से तो आप कर ही सकते हैं, बाकी देखिए बाकी के ऑप्शन तब तक आप कमेंट करें कि स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन चूज करके आप कर सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्स टाइमिंग को चुनना, तो ये मेरे फ्रेंड्स आपका नहीं होता है ना। बाकी जो है आपको कौन सा दिख रहा है कि आपसे सही कथन नहीं पूछा है ना, तो ए व बी दोनों ही आपके क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ से जो है ए व बी दोनों लगभग आप सभी ने मुझे करेक्ट ऑप्शन दिया है। अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी होता है, किसके लिए होता है, तो मेरे फ्रेंड टीचर के नोट्स आउटलाइन की तरह
है ना। तो आपके जो हैं आपने ऐसे कई प्लेटफॉर्म देखे होंगे जो आपको जो है प्रेजेंटेशन वाइज पढ़ाते हैं, तो नोट्स आप बिल्कुल बोल सकते हैं। अब आप जो है प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड चीज़, आपकी कोई बिजनेस प्लानिंग वगैरह है तो अगर उसकी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए भी आप प्रेजेंटेशन से कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। तो विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें कि पहले से ही अगर कोई इमेज इंसर्ट है तो उसको एडिट करने पर क्या घटित होगा। तो मेरे विद्यार्थियों ये कितनी बार आपको क्वेश्चन करवाया होगा, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। और मैं मेरी ओर से बताता हूँ कि स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट है उसमें कभी भी कोई भी बदलाव नहीं होता है, यानी चेंज नहीं होता है, यही आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे दिख रहा है कि निम्न में से मेलिंग शिष्टाचार के रूप में किसे जाना जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें आखिरकार क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप जल्दी से कमेंट करें कि संक्षिप्त और उचित विषय आपको जो दिख रहा है यहाँ से आपका करेक्ट विकल्प हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा अगला क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला था ना कि EPDS एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन होता है और यहाँ से हर बार जो है एग्जामिनर एक से दो क्वेश्चन पूछने की प्रबल पॉसिबिलिटी यहाँ से बनती है। तो सभी विद्यार्थी जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं भाई, आप सभी का तहे दिल से आभार, आप हैं RACET के नंबर वन और बेहतरीन चैनल के साथ में। तो EPDS का जो पूरा नाम है वो मेरे फ्रेंड्स आपका क्या होता है, जल्दी से आप कमेंट करें कि ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। अब इसका खाद्य सामग्री की कमी को निपटान करने के लिए बनाया गया, दो वर्गों को राशन मिलता है, BPL और APL। या BPL का अगर पूरा नाम पूछे तो बिलो पॉवर्टी लाइन, और APL का पूछे तो अबव पॉवर्टी लाइन होता है। और उसके बाद में MSP का पूछे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और FPS का अगर आपसे पूछे तो फेयर प्राइस शॉप होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है आप सभी की स्क्रीन पे कि विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किए जा सकते। तो मेरे विद्यार्थियों जल्दी से आप सभी लोगों को कमेंट करना है कि विंडोज़ 10 में आप किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो देखो इंटरनेट से सीधे किए जा सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर, विंडोज़ स्टोर से किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर, CD/DVD पेन ड्राइव से तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वर्ड की फाइलों का उपयोग करके आप कभी भी नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा कि वर्ड की फाइलों का उपयोग करके। अगर आपको CD का पूरा नाम पूछता है तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, अगर DVD का ना पूरा नाम पूछे तो डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। कभी अगर आपसे पूछे कि पेन ड्राइव को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट करें सारे के सारे विद्यार्थी। देखो आपके जो आउटलुक अकाउंट होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, POP3, IMAP, है ना, ये तीनों के तीनों आपके आउटलुक अकाउंट होते हैं। अब इनमें से जो है व्यापार सेटिंग में माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का उपयोग किया जाता है, निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए POP3 का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ से पता रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूज़र अकाउंट विंडोज़ 10 में नहीं होता है। जल्दी से कमेंट करें कि इनमें से कौन सा जो है विंडोज़ 10 में नहीं होता है। तो मेरे विद्यार्थियों देखो मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि कौन सा होता है, तो कौन सा होता है कि केसेस में हमेशा अपन पढ़ते हैं ना कि दो होता है, कौन कौन सा, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटेड, ये दो होते हैं ना। तो स्टैंडर्ड आपका सामान्य होता है, एडमिनिस्ट्रेटेड आपका कोई विशेष अकाउंट होता है। अब आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो भाई आपका आंसर हमेशा क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों तो होते हैं ना, ए व बी दोनों तो होते हैं, तो फिर ये नहीं कैसे हो जाएंगे, है ना। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा, डी वाला होगा। अगला क्वेश्चन के निम्न में से आप किसी प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यानी किस किस माध्यम से आप कर सकते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों सेटिंग में जाके आप एप्स एंड सर्विस में जाके भी कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल में जाके, प्रोग्राम के अंदर जाके, प्रोग्राम एंड फीचर में जाके भी आप कर सकते हैं। तो ए व बी विकल्प आपके दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूँ ना कि या तो HDMI का पूरा नाम पूछेगा या फिर HD का मतलब क्या होता है, ये आपके आपसे सीधा पूछेगा। तो HDMI में HD का मतलब क्या होता है, तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाता है, हाई डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन
कि इनमें से कौन सा है विद प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प विकल्प नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रोजेक्टर को कनेक्ट कंप्यूटर से किस किस माध्यम से किया जा सकता है, तो क्या कंप्यूटर ओनली होता है क्या? तो बिल्कुल आप बोलेंगे होता है, इन्वर्टेड नहीं होता। बाकी डुप्लीकेट आपका जो है जैसा आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखेगा वैसा का वैसा ही आपको किस पे दिखेगा? प्रोजेक्टर पे दिखेगा। एक्सटेंस में दोनों की स्लाइड अलग अलग दिखाती है और कंप्यूटर ओनली में केवल कंप्यूटर में ही दिखता है, प्रोजेक्टर ओनली में प्रोजेक्टर में ही दिखता है। इन्वर्टेड जो है ये आज से आपका करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन और इसका जो है जनवरी 2022 का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद में नवंबर वाला आपके सामने क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ कि नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ओएस कौन सा है। तो जल्दी से विद्यार्थियों सभी कमेंट करें कि क्या होगा नवीनतम मोबाइल ओएस। तो आपका जो नवीनतम मोबाइल ओएस है मेरे विद्यार्थियों आपका कौन सा है? नोगाट 7.0 है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना कौन सा है तो मेरे विद्यार्थियों एस्ट्रो होता है। कौन सा होता है? एस्ट्रो। अब जो अगला जो है आपके सामने नवंबर 2021 का मॉडल पेपर है यानी क्वेश्चन पेपर है जो RECET एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया था। मेरे फ्रेंड्स आप खुद आंकना कि क्या सारे के सारे क्वेश्चन आपको संध्या कंप्यूटर प्लेटफॉर्म से ही मिल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं मेरे विद्यार्थियों, काफ़ी अच्छा इस बार आपका परफॉर्मेंस होने वाला है। देखिए प्रिंट करने से पहले ये दस्तावेज कैसा दिखेगा ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करें। देखो अभी भी अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आप सब्सक्राइब करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर तो मेरे फ्रेंड्स बनता ही है, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सेशन के साथ में आपको जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका कौन सा हो जाएगा? प्रिंट प्रीव्यू हो जाता है, यानी कि आपको अगर प्रिंट करने से पहले देखना है कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा तो आपको प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल करना होता है। अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा एक मोबाइल ओपन सोर्स का एग्जाम्पल है? तो मेरे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और जैसा मुझे स्क्रीन पे आप सभी लोग दिखा रहे हैं कि देखो आपको हमेशा याद रखना है कि विंडोज फोन भी आपका होता है, एप्पल iOS भी आपका मोबाइल OS होता है, एंड्रॉयड भी होता है। तो यानी कि अगर आपसे इधर पूछता है कि मोबाइल ओएस कौन सा है तो ये तीनों विकल्प होते हैं। आपसे पूछा है कि सभी के निःशुल्क, तो निःशुल्क के केसेस में आपका कौन सा राइट आंसर होता है? एंड्रॉयड आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन की मजबूत पासवर्ड कैसा होना चाहिए? तो देखो मेरे विद्यार्थियों जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें कि मजबूत पासवर्ड आपका कैसा होगा। यानी कि मजबूत पासवर्ड मैंने बोला था ना कि एक ऐसा पासवर्ड जिसमें आपको आठ क्या दें, आपको आठ टोटल मिला के आपकी संख्याएं हो, यानी कि उसमें वर्ण भी हो सकते हैं, अक्षर भी हो सकते हैं और संख्या एवं वर्णों वर्षों का संयोजन भी आपका हो सकता है। तो जल्दी से आप कमेंट, लगभग सभी ने यही दिया मुझे ऑप्शन सी, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने सामने बार बार आया है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा मैंने बोला था ना कि या तो एग्जामिनर क्या करता है व्यापार सेटिंग को इस्तेमाल करने के लिए आपसे पूछता है ईमेल अकाउंट का, या फिर आपसे पूछता है निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे आपसे पूछा है निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए, तो आमतौर पर किस प्रकार की निजी ईमेल खाते का उपयोग जो है आपके कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है वो तो व्यापार सेटिंग के लिए है, आप सभी को पता रखना है, लेकिन जो आपको POP3 दिख रहा है ये मेरे विद्यार्थियों किसके लिए होता है? आपका निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए होता है। तो सभी विद्यार्थी लगभग करेक्ट आंसर मुझे दे रहे हैं, आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार, आप जुड़े हैं RECET के नंबर 1 और बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में। अगर आप भी करना चाहते हैं RECET एग्जाम में 90 से पार तो एकमात्र विकल्प है आपके सामने संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मेरे पास अगला क्वेश्चन है कि LCD प्रोजेक्टर के प्रकार हैं, जल्दी से कमेंट करें। सभी लोग हैं रोज हैं जो अपने सामने ये क्वेश्चन आता है, तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और जैसा आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है क्या नॉर्मल एंड रूप माउंटेड जो है आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नॉर्मल एंड रूप माउंटेड किसका प्रकार है? LCD प्रोजेक्टर इसके प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन के किस टैब में आप पिक्सर टेक्स्ट बॉक्स चार्ट इत्यादि को इंसर्ट कर सकते हैं? तो मेरे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। और देखिएगा ये जो है आपको जब भी मैंने बोला है ना कि अगर जब भी इंसर्ट करने की बात आए तो आपको हमेशा किसको चूज करना है? इंसर्ट को ही चूज करना है। लगभग आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन दिया है भाई, आप सभी की तैयारी काफी शानदार है इस बार। अगला क्वेश्चन है कि
निम्न में से एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। और देखो ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर अगर अच्छा मिल जाए तो भाई इससे इजी क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं। अब देखो स्कैनर आपकी इनपुट होता है, प्लॉटर आपका एक प्रकार का प्रिंटर इसको समझ सकते हो, जिसका उपयोग बड़े बड़े आप बोल सकते हो हाई क्वालिटी के वेक्टर ग्राफिक्स, ये क्वेश्चन भी सीधा पूछा जाता है, वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। बाकी सॉफ्टवेयर आपके प्रोग्रामों का समूह होता है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है प्लॉटर हो जाता है, जैसा आप सभी ने कमेंट दिया है लगभग आप सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपकी यूजर नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो मेरे फ्रेंड जल्दी से आप कमेंट में मुझे उत्तर दीजिए, तब तक मैं पढ़ के बताता हूँ कि उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम रिपोर्ट करेंगे, तो ये तो एक प्रकार लग ही रहा है। संदेश को हटाएंगे या फिर संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ में उत्तर देंगे, क्या ऐसे मूर्खता थोड़ी ना करोगे कि कोई आपसे आईडी पासवर्ड मांगता है आप दे दोगे, है ना, ये तो होगा नहीं। तो भाई ये तो गलत ही है पूरा, है ना, तो इनमें से कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं तो आपका होगा नहीं, यानी ये भी गलत है, एक मिनट, ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और आप सीधा का सीधा क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग और स्पैम के रूप में आप रिपोर्ट करेंगे। लगभग सभी विद्यार्थी करेक्ट ऑप्शन मुझे दे रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से आभार। आप इस बार RSCET एग्जाम में 90% से ऊपर बनाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी ले जाई जाती है तो क्या होता है। तो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, तब तक आप कमेंट दें कि निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जा सकता है। और सेकंड बोला है आपसे कि उस निर्देशिका के अंदर सभी उपनिर्देशिका में भी चले जाते हैं। और थर्ड बोला है कि निर्देशिका को स्थानांतरित किया जा सकता है स्रोत फाइल को नहीं, तो ये नहीं हो सकता। बाकी जो है ए व बी दोनों आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी लगभग आप सभी ने किया है, करेक्ट ऑप्शन मुझे दिया है। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान का उदाहरण कौन सा है। तो मैंने बोला ना कि क्लाउड स्टोरेज से भी क्वेश्चन बनता है, या तो फिर आपसे पूछेगा वो वाला क्वेश्चन जो आगे मैंने बताया कि निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज है। तो गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। जब भी राजस्थान सरकार का आपसे पूछे तो लगभग आप सभी विद्यार्थियों ने करेक्ट ऑप्शन मुझे दिया है, राजस्थान ई वॉल्ट आपका होता है। राज्य ई ज्ञान सर क्या होता है, तो एक शैक्षणिक पोर्टल होता है, RPSC आपका जो जॉब सर्च वाली एक वेबसाइट है, यानी यहाँ से आपको जितनी भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट निकलती है यहाँ से आपको सूचनाएँ मिलती है। राज ई साइन आपका क्या, कस्टमाइज QR एवं फोटो सक्षम हस्ताक्षर प्रणाली है, यानी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिजिटल हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट बनाए जा सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी अभ्यर्थी कमेंट करें, भाई आप सभी का तहे दिल से आभार जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं। आज की क्लास में आपके सामने 70 क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो इसमें से भी हो सकता है कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन मेरे पास एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। ये मैं नहीं बोलता, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि ये इन्हीं में से अगर 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे तो दावे के साथ कहता हूं कि 20 से 21 क्वेश्चन आपके इस PDF से बैठने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में 10 का उपयोग कौन से प्रकार के चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी लगभग करेक्ट ऑप्शन मुझे दे रहे हैं कि बार चार्ट है, लाइन चार्ट है और पाई चार्ट, ये तीनों के तीनों यहाँ से आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि आप एक फार्मूला को कॉपी करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी विद्यार्थी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, और मैं मेरी ओर से तब तक आपको बताता हूँ कि जब भी आप एक फार्मूले को कॉपी करते हो तो एक्सेल न्यूली कॉपीड फार्मूले में सेल रेफरेंस का संपादन करता है, यानी ये वाला जो काम आपका होता है। ऑप्शन बी अगर किसी ने करेक्ट ऑप्शन दिया है तो भाई आप सभी विद्यार्थी राइट है यहां से, है ना। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किसी टैब का उपयोग कर आप फाइल या फोल्डर से छिपे दृश्यमान बना सकते हैं। तो जल्दी से आप कमेंट करें। देखो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार करवाया है ना, तो अब इस बार भी आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। मेरे फ्रेंड्स दावे के साथ बोलता हूँ कि एग्जामिनर के जितने भी एफर्ट हो सकते हैं RSCET एग्जाम के अंदर, उन सारे एफर्ट से आपको पहले ही रूबरू करवाने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी आपको कतई चिंता वाली बात नहीं करनी है कि यार क्या होगा एग्जाम में, कैसे क्या
क्या होगा, तो भाई आप मेरे भरोसे एक बार बैठ के देखो, काफ़ी बेहतरीन इस बार होने वाला है। आप खुद बोलेंगे कि इस बार तो किस्मत भी बदल गई हमारी, RECET एग्ज़ाम में 90 से पार। ज़िंदगी में अगर आपके कभी नहीं बने होंगे तो इस बार बन जाएंगे, है ना, 90 से पार। देखिए आपके जो हैं जो आप व्यू यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फाइल या फोल्डर से सिपे दृश्यमान आप बना सकते हैं। तो ऑप्शन जो है बी जो आपको दिख रहा है करेक्ट विकल्प आप सभी लोगों ने मुझे दिया है। अगला क्वेश्चन है कि आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब होता है। तो मेरे विद्यार्थियों जो अगर कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन की जब भी बात आती है ना, तो आपका प्रोसेसर विनिर्देशन भी होता है, मेमोरी क्षमता भी होती है, हार्ड ड्राइव डिस्क भी होता है। तो आप जल्दी से कमेंट करें फिर राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। यानी कि ये लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन होते हैं कि 100 में से 70 और 30 का रेशियो होता है ना। यानी कि अगर आपके उपरोक्त सभी कभी भी आपको दिखता है तो 70% चांसेस होते हैं कि वो करेक्ट आंसर हो सकता है। कभी कभार क्या होता है 30% के केसेस में आपका तुक्का गलत लग सकता है, बाकी अदरवाइज ये बिल्कुल सेट बैठता है। अगला क्वेश्चन है कि टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशनों के आइकन हैं और समय तथा दिनांक आपको प्रदर्शित किए जाते हैं। तो एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी है और मेरा भी सबसे ये पसंदीदा क्वेश्चन होता है और इस बार आपको RECET एग्ज़ाम में पूछे जाने की अगर मैं बात करूँ तो 100 में से आपके 90% चांसेज इस क्वेश्चन के बन जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आप सभी लोग दें, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम ट्रे आपका कहां पे मौजूद होता है। देखो ये आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के बॉटम साइड वाली बार कौन सी, टास्क बार, और टास्क बार की इधर तो आपका स्टार्ट बटन है, बाकी यहां से आपको बैकग्राउंड में चलने वाले ऐसे प्रोग्राम आपको दिखते हैं, है ना। तो यानी कि यहां पे आपका डेट एंड टाइम होता है। तो यहां से लगा कि यहां तक का जो आपको ये स्पेस दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपका क्या कहलाता है, सिस्टम ट्रे कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्टम ट्रे कहलाता है, जिसमें बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन और उनके आइकन तथा समय और दिनांक प्रदर्शित होता है। लगभग सभी विद्यार्थी करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं। भाई आप सभी इस बार जो हैं RECET एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतरीन करने वाले हैं क्योंकि आप जुड़े हैं RECET के नंबर 1 और बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर आपका क्या है। तो मेरे विद्यार्थियों कितनी बार करवाए हैं ये क्वेश्चन, जो रेगुलर मेरी से क्लास लेते हैं आप सभी लोग देखिएगा कि ये क्वेश्चन आपके सामने कितनी बार आया है, है ना। अब देखिएगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर जो है, अब जल्दी से कमेंट करें, मैं मेरी ओर से बताता हूँ कि ये जो है आपका मूल तस्वीर प्रबंधक आपका सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि ऑप्शन ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि कुछ खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। तो मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अब देखिए तब तक आप लोग कमेंट करना कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी साइट है यानी कि कुछ खरीदने और बेचने के लिए कौन कौन सी होती हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, है ना, जबोंग, पेटीएम, है ना, ये सारे के सारे। तो ये आपकी क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। कभी कभार आपसे क्या पूछेगा कि ई कॉमर्स का पूरा नाम, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसका पूरा नाम होता है। अभी किस प्रकार का ई कॉमर्स होती है, तो B2C होती है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है। तो मेरे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें, क्या आप कंट्रोल में जाके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, साउंड में जाके, डिवाइस एवं प्रिंटर में जाके ऐड प्रिंटर कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन आपके सामने है कि सेटिंग में जाके, डिवाइस में जाके, प्रिंटर एंड स्कैनर में जाके, फिर ऐड प्रिंटर और स्कैनर करके भी आप कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर दोनों के दोनों विकल्प सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है ए व बी दोनों आपका यहाँ से करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि SSO के तहत नागरिक पंजीयन कैसे कर सकता है। तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि SSO का पूरा नाम आपको क्या है, सिंगल साइन ऑन। आप खुद बोलना कि कितने क्वेश्चन हैं जो आपको संध्या टीम ने करवाए हैं, क्या सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं। मेरे पास एक भी क्वेश्चन आपके
कराए हुए से बाहर क्वेश्चन नहीं है, यानी कि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे के ऊपर हैं, तो बिल्कुल आपको चिंता वाली बात नहीं रखनी है कि यार क्या होगा, कैसे क्या होगा। भाई आप तो ईमानदारी से सेशन को अटेम्प्ट करें, आपकी बेहद ही शानदार इस बार परफॉर्मेंस होने वाली है। अगला क्वेश्चन, के दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो मेरे फ्रेंड्स, हेडर और फुटर डालने का जो मूल उद्देश्य होता है वो आपका कौन सा होता है? दिखावट को सुधारने के लिए किया जाता है। दस्तावेज की दिखावट को सुधारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? हेडर और फुटर का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी विद्यार्थी लोग कमेंट दे रहे हैं, आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। इस बार आप आरिशेड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण आप परफॉर्मेंस देने वाले। असत्य कथन की पहचान करना है, जब भी मैंने आपको रिसाइकल बिन पढ़ाया है तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर किए हैं। तब तक मैं आपको बताता हूं कि भाई जो रिसाइकल बिन है ये आपकी क्या होता है। तो यहाँ पे आपकी डिलीट फाइलें टेम्परेरी रूप से स्टोर रहती हैं, सबसे पहली बात ये। अब देखो यहाँ से विकल्प पढ़ना है और असत्य कथन को आपको सेट करना है यहाँ से, कि आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पुनः पा सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आ सकती है, यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकल बिन की फाइलों को पुनः स्थापित किया जा सकता है का? तो आप बोलेंगे हाँ सर रिस्टोर के थ्रू हम कर सकते हैं, है ना। और आप रिसाइकल बिन में फाइलों को भेजकर डिस्क का रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं क्या? एक बार इसको रहने देते हैं, बाकी अगला पढ़ते हैं कि आप राइट बटन पर क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन को क्लिक करके आप जो है रिसाइकल बिन को क्लियर कर सकते हैं, तो ये भी सही है। अब जो असत्य कथन आपका कौन सा है? रिसाइकल बिन में फाइलों को भेजकर डिस्क का रिक्त स्थान बढ़ाना, भाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी भी टेम्परेरी रूप से वो आपके सिस्टम के अंदर फाइलें मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन, कि रैम में रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बोलिएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। मेरे विद्यार्थी जो संध्या टीम की ओर से बढ़ रहे हैं, भाई आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप इस बार काफ़ी शानदार करने वाले हैं। जो विद्यार्थी मेरे से रेगुलर जुड़ा है आपको तो भाई एक प्रकार से मैं बहुत ही शानदार बधाई देने वाला हूँ, क्योंकि आपको एडवांस में ही बोल देता हूँ कि इस बार आप 90 से क्रॉस जाने वाले हैं, है ना। लिख के ले लो मेरे से कि इस बार आरईसीटी एग्जाम में आप 90 से पार जाने वाले हैं। देखिए मेरे विद्यार्थी, यहाँ से जो है करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी हो जाता है। यह एक अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम की गति को बढ़ाने का काम करती है। इसके डेटा को बार उपयोग में लेती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम होती है, यानी 5 KB तक की ही हो सकती है। अगला क्वेश्चन, मैंने बोला ना कि ईपीडीएस सबसे पसंदीदा है एग्जामिनर का, अब तो यकीन कर लो यार, है ना। मैं रोज़ आपको बोलता हूँ कि एग्जामिनर का अगर सबसे पसंदीदा है तो उसको तो मुझे आपकी पीडीएफ के अंदर लाना ही है। आप खुद देख लो कि हर एक पेपर में आपको ईपीडीएस देखने को मिल रहा है। ईपीडीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दो वर्गों को राशन, BPL और APL, नींद में भी याद होना चाहिए ना सभी को, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, APL अबव पॉवर्टी लाइन। अब जो है MSP पूछता तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपसे पूछा है FPS का पूरा नाम, जैसा कि आप सभी ने बताया फेयर प्राइस शॉप। तो आप सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी इस बार होने वाली है। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हुए लाभ हैं? तो मेरे विद्यार्थी देखिएगा, 1 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है, 30,000 की जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा जीवन बीमा आपको मिलता है, 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधाएं मिलती है। तो तीनों के तीनों आपके कथन सही हैं, आप सभी विद्यार्थियों ने मुझे करेक्ट ऑप्शन दिया है। अगला क्वेश्चन, के किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले अवलोकन कर सकते हैं? अब देखो दोनों में क्वेश्चन आया ना ईमानदारी से बताऊं, और मैं भी तो आपको रोज़ बोलता हूं कि या तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में होगा, और प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिखे तो फिर किसको करना है प्रिंट लेआउट। अब तो यार समझो कि कम से कम पेपर कहाँ से बन रहा है, संध्या कंप्यूटर क्लासेस से बन रहा है। तो अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ दो, और अगर सेशन पसंद आए तो दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिएगा, एक बार सब्सक्राइब के बटन में भी अंगूठा मार लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो है आपको जितने भी क्लासेस मिलने वाली हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचने वाली है। अगर नहीं किया तो भाई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, बाद में पछताना ना पड़े कि सर के द्वारा ली हुई क्लास हमें नहीं मिली, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? तो मेरे विद्यार्थियों देखिएगा, रोज करवाता हूं ना ये क्वेश्चन,
तो राजस्थान संपर्क पे शिकायत आप किस किस माध्यम से कर सकते हैं, आप जल्दी से कमेंट करना। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि जो राजस्थान संपर्क है इसका उपयोग जो है, एक राजस्थान संपर्क पोर्टल है जिसका ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु इसको बनाया गया है। नागरिकों के मुद्दों को हल एवं समाधान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टोल फ्री नंबर से भी है राजस्थान संपर्क पोर्टल और राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप से भी हो जाता है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट ऑप्शन है हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान करने के लिए बनाया गया है। तो भाई अब तो मैं क्या बोलूँ, है ना, आप खुद ही बता दो क्या होगा। मैंने बोला ना कि अब देखो तीसरी अप्रोच यहाँ से क्या हो सकती है, आपसे एग्जामिनर सीधा करेगा कि निम्न में से राजस्थान संपर्क का स्टेप नहीं है। तो विद्यार्थियों आपको बताना है क्या क्या बताना है। आपका रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, डिस्पोजल होता है, वेरिफिकेशन होता है, एक ऑप्शन देगा स्क्रूटीनाइजेशन। तो स्क्रूटीनाइजेशन नहीं होता, बाकी सारे के सारे होते हैं जो राजस्थान संपर्क के आपके क्या हैं, चरण होते हैं। तो राजस्थान संपर्क यहाँ से आपका करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि UIDAI का पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताओ। अब हिंदी तो यार बताई नहीं मैंने, है ना, इंग्लिश में देखते हैं इसको। UIDAI का पूरा नाम क्या है, तो UIDAI का पूरा नाम क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो जल्दी से कमेंट करो, है ना। तब तक मैं आपको बताता हूँ UIDAI किस किस संस्था है, आधार कार्ड की इसने जारी किया है किसको, आधार कार्ड को, आधार कार्ड में कितनी संख्याएं होती हैं, 12। और इसके अलावा तो और कोई पूछेगा नहीं, ये होता क्या, एक विशिष्ट पहचान पत्र आपका होता है और इसका जो पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप सभी विद्यार्थियों ने मुझे दिया है, लगभग आप सभी करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है। तो विद्यार्थियों आप सभी लोगों को याद रखना है कि बैंक द्वारा छोटा प्लास्टिक कार्ड जारी करना, भुगतान का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये होता है, पहले खरीदे बाद में भुगतान करें और खरीदे और एक साथ भुगतान करें। तो मेरे विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, खरीदे और एक साथ भुगतान करें, यानी कि पहले आप आराम से सामान को खरीद सकते हैं और उसके बाद में ही आपको क्या करना होता है, भुगतान करना होता है। तो यही आपका क्रेडिट कार्ड होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे यानी कि IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है। अब कितनी बार बताया होगा आप ईमानदारी से बताओ, है ना। अब देखो आपको तब तक आप इसकी कमेंट करना, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो IRCTC है ये क्या है, रेलवे विभाग की साइट है, रेलवे की साइट है, इसका पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन हो जाता है। अब देखो जब भी आप बुकिंग करोगे ना टिकट, तो आपके सामने एक नंबर शो होंगे जिसको अपन क्या बोलेंगे, PNR नंबर बोलेंगे, जिनकी संख्या कितनी होगी, 10 संख्याओं का नंबर होगा। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा, तो टिकट की स्थिति को ट्रैक करने के लिए या सीट उपलब्धता की स्थिति का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो पूरा नाम होता है मैंने आपको इंग्लिश में बताया है ना, तो आप इंग्लिश में ही देखो पूरा नाम आपका क्या हो जाएगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। लगभग आप सभी विद्यार्थियों ने मुझे करेक्ट ऑप्शन दिया है। आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार, आप जुड़े हैं RACET के बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में। अब आप खुद बोल दो कि सर EPDS आता है या नहीं आता, क्या सर आपको रोज ऐसे ही बोलते हैं क्या कि EPDS एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा है। अब दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं एक ही एग्जाम के अंदर, तो मैंने बोला ना कि 4 नंबर बिल्कुल पक्के करने वाला हूं, है ना। तो EPDS अभी बता दिया, अब तो सिंपल आप इसका पूरा नाम बता दो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका पूरा नाम हो जाता है। सभी ने लगभग करेक्ट ऑप्शन दिया है, भाई आप सभी की तैयारी बहुत ही जबरदस्त, शानदार और जानदार आपकी तैयारी है। अगला क्वेश्चन कि SSO का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह भी क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है कि सहायता टैक्स की लागत को कम करता है, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता को बढ़ाने का काम करता है। तो फिर राइट आंसर कौन सा होगा, उपरोक्त सभी होगा। तो विद्यार्थियों अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप RACET के नंबर 1 और सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ में जुड़े हैं, तो कतई चिंता वाली बात नहीं है, सेशन को इतना फॉरवर्ड कर दो ताकि हर एक स्टूडेंट जो 22 तारीख के दिन एग्जाम में बैठने वाला है उन सभी तक ये सेशन यहाँ से पहुँचना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो ये वाली क्लास है ना आपको 20 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे, ये मेरे से लिख के ले लो आप, है ना। अगला क्वेश्चन है कि एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। तो मेरे विद्यार्थियों देखिएगा, मैंने कल ही शायद आपको ये क्वेश्चन करवाया है कि आपको ISP की आवश्यकता होगी, ISP का मीन्स
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मॉडेम की आवश्यकता होगी, मॉड्यूलेटर टू डी मॉड्यूलेटर, है ना। मॉडेम से भी क्वेश्चन आते हैं, मॉड्यूलेटर टू डी मॉड्यूलेटर, और इसका काम क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना। वेब ब्राउजर का भी उपयोग होता है, वेब ब्राउजर के नाम मोजिला फायरफॉक्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम है, सफारी हैं, वगैरह वगैरह जो भी, इन सभी के बारे में आप नेटस्केप नेविगेटर, इन सभी के बारे में याद रखना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी हो जाता है। अगला क्वेश्चन की सूचना सुरक्षा प्रबंधक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी ISO मानक है, यानी ISO स्टैंडर्ड आपका कौन सा इनमें से है। तो मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर है 27001 हो जाता है। मेरे विद्यार्थियों, काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे आप सभी के समक्ष, और आज का अंतिम क्वेश्चन कि निम्न में से भामाशाह योजना के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। तो देखिए, पहले तो आपको क्या करते थे, भामाशाह के बारे में पूछा जाता था, लेकिन अब जो है भामाशाह का नाम ही जनाधार कर दिया है, तो जनाधार से आपको क्वेश्चन करेगा। देखो, भामाशाह के संदर्भ में महिला को मुखिया बनाया गया है ना, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, आधार कार्ड अनिवार्य है क्या, एक बार रहने देते हैं, सरकार द्वारा सभी नगद एवं गैर नगद यानी DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सीधे की सीधी फुल फॉर्म आपको पूछी जाएगी, के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो अब बिल्कुल किया जाता है। और आगे बोला है कि कोई राशि नहीं, शून्य बैलेंस पे आपका खोला जाएगा, तो ये भी सही है। लेकिन जो आधार कार्ड अनिवार्य, ये मेरे फ्रेंड्स आपका नहीं होगा, क्योंकि आधार आपका ऑलरेडी किसमें इनरोल हो जाता है, भामाशाह के अंदर इनरोल हो जाता है, फिर आपको बार बार आधार को ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरे विद्यार्थियों, ये थे आपके 70 क्वेश्चन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर सेशन को पसंद किया है तो सेशन को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक अंत में प्यारी सी कमेंट जरूर दें। और आप सभी विद्यार्थी हैं जो मुझे कमेंट करके जरूर लिखें कि आपके इन 70 में से अगर 50 से ऊपर बैठ रहे हैं, तब तो भाई आप 100 में से 100 भी इस बार ला सकते हैं। और अगर किसी विद्यार्थी के 40 से अगर बैठ रहे हैं, तो वो विद्यार्थी 80 से 90 जा सकता है। अगर किसी के 30 भी बन रहे हैं ना, तो आप दो से तीन दिन मेरी आप क्लास रेगुलर लें। आपको भी दावे के साथ कहता हूँ कि 80 से 90% मैं बना के दूंगा, लेकिन जो विद्यार्थी रेगुलर हैं वो 90 बस अड़ना। एग्जामिनर आपको बोलेगा नहीं जाने का, है ना, लेकिन पेपर आपको घुमाएगा, लेकिन घुमाते हैं मगर घूमने का नहीं। और इस बार आपको पेपर उसकाएगा कि आप 100 से कम लेके आओ, बट आपको रहने का नहीं, क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा है, एक ऐसा एजुकेटर जो आपको गारंटी देता है REC एग्जाम में 90% क्रॉस करवाने की। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, अगर सेशन के साथ में एंजॉय किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के साथ में। आप सभी को गुड नाइट, आप सभी की रात अच्छी हो, शुभ रात्रि, है ना। और